विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निदान्तर्गतम् साक्षात्कुरुते प्रबोधसमये स्वयं स्निग्धं मधुरमुरली माधुरी नीरनादैः कारं कारं शरणविवशं गोकुलव्याकुलत्वं यामं कामं व्रजजनमनो मोहनं मोहनांगं चित्ते नित्यं निवसतु मो कालिंदीकूलकुंजांतर्वल्लवी व्रजवेष्टितं नमामि नयनानंदं नतन्तं नंदनंदनं। ब्रह्मा जी श्री कृष्ण भगवान की स्तुति कर रहे हैं। जमुना जी के तट पर वृंदावन में ब्रह्मकुंड के आसपास, वृंदावन में ब्रह्मकुंड आप लोग जानते हैं, कभी वृंदावन में जाते होंगे तो ब्रह्मकुंड का दर्शन। आजकल सूखा है, पानी नहीं है, जमुना जी का तट, फिर बंसी बट, और बंसी बट के बाद गोपेश्वर, गोपेश्वर के बाद ब्रह्मकुंड, ब्रह्मकुंड के बाद श्रीरंग जी का मंदिर। हाँ, लाला बाबू का मंदिर जहाँ है ना, वही है ब्रह्मकुंड। तो ये बस्ती नहीं थी, वन था, अरण्य, वृंदारण्य, वृंदावन, वृंदाटवी। वहां तो ब्रह्मा जी का प्रवेश ही निषिद्ध है, आ गए इतने ही उनका सौभाग्य समझो। सामने खड़े मयूर मुकुटी कुंडली गोरोचन तिलकी कमल नयन मंदस्मित पीताम्बरधारी श्याम सुंदर बाएं हाथ में दही भात का ग्रास लिए और देख के मुंह में पानी आ जाए, इतना स्वाद, इतना रस। एक बार अपने मन को वहां ले चलो, रूप में मन गया, फिर कथा में मन गया, फिर गुण में मन गया, फिर कृपालुता में मन गया, फिर संबंध में मन गया, फिर ऐसा ख्याल हुआ कि अरे मेरे रूप में भी यही बने हुए हैं। ऐसा देखो क्या दृष्टिकोण। तो फिर ये हुआ कि ये प्रपंच क्या है। तो प्रपंच तो सब देखते हैं। आज एक सज्जन पूछ रहे थे कि गधे को ज्ञान हो सकता है कि नहीं। मैंने कहा अगर तुम्हारे स्वप्न में कोई गधा दिखे और वो अहम ब्रह्मास्मि बोल रहा हो तो कोई आश्चर्य है कि नहीं? कोई आश्चर्य? अरे तुम्हारा मन ही तो गधा बना है ना स्वप्न में। जब तुम्हारे मन को अहम ब्रह्मास्मि मालूम है तो तुम्हारा मन ही जो गधा बना हुआ है स्वप्न में, वो अहम ब्रह्मास्मि बोल दे तो क्या आश्चर्य? क्योंकि वहाँ गधा नहीं बोलता है, अपना मन बोलता है। ये विश्व में कौन बोलता है? हमारी दृष्टि बोलती है, हमारी स्फुरणा बोलती है। ब्रह्मज्ञानी कौन है? जिसके बारे में यह ब्रह्मज्ञानी है ऐसी मेरी पूर्णा, मैं स्वयं ब्रह्म और मेरी पूर्णा ब्रह्मज्ञानी। ब्रह्मज्ञानी तो कोई है ही नहीं, ब्रह्म ही ब्रह्म है। बड़े अद्वैत की बात, बड़ी विलक्षण है। स्वप्न का गधा भी दृष्टा का ही स्वरूप है, पृथक नहीं है। अच्छा तो बाबा ये बात कोसी में मत ढूंढना, ये जब फक्कड़ों का सत्संग करोगे तब ये बात मालूम होगी। आओ आपको इदम जगत
तस्मादिदं जगदशेषम सत्स्वरूपं स्वप्नाभमस्तधिषणं पुंदुःखदुःखं त्वय्येव नित्यसुखबोधनावनन्ते मायात उद्यतपि यत् सदिवावभाति। हे नारायण, आपसे सीधा एक प्रश्न है, ये आपको दुख होता है क्या? पूर्व दुख का दुख कम, इदं जगत, इदं अशेषं जगत, पूर्व दुख का दुख कम, ये बदलती हुई दुनिया, ये बदलती हुई दुनिया, ये धड़कते हुए दिल, यहाँ दुख है कि नहीं है? बस एक सवाल है, यदि दुख है तो उसकी दवा भी होनी चाहिए, यदि दुख है तो उसकी चिकित्सा भी होनी चाहिए। पूर्व दुख दुख काम। अच्छा, आप एक बात सोचो, आज से 20 वर्ष पहले एक दिन आपको बहुत दुख हुआ था, आप याद करो। हम सब श्रोताओं से एक साथ बोलते हैं, आज से 20 वर्ष पहले आपको एक दिन बड़ा प्रबल, बड़ा प्रचंड दुख का अनुभव हुआ था। आपके जीवन में कभी हुआ है कि नहीं? आप किसी ज्योतिषी को अपना हाथ या कुंडली दिखाओ तो बता देगा। एक दिन तुम्हारे मित्र ने तुमको धोखा दिया था, बोला, तुमको याद है? एक दिन तुम पानी में डूबते डूबते बच गए थे, है ना? ज्योतिष की बात सच्ची है कि नहीं? एक दिन तुम्हारे पति ने तुमसे झूठ बोला था, श्रीमतियों, श्रीमानों, एक दिन तुम्हारी पत्नी ने तुमको बहुत झूठ बोला था, तुमको याद आती है कि नहीं? एक दिन तुम्हारे जेब में से पैसे गिर गए थे, ये बात देखो ज्योतिष में से निकलती है और आपके जीवन में घटित हुई है। ज्योतिषी तो आपसे पैसा बना के ले जाएगा, पर मैं तो बिना पैसे के ही बता रहा हूँ। मन, ये ऐसी सामान्य बातें हैं कि सबके जीवन में हमेशा घटती रहती हैं। तुम जिससे प्रेम करते हो वो तुमसे प्रेम नहीं करता, हमारी ज्योतिष की बात लिख लो, सच्ची है कि नहीं? लोग तुमसे पैसा ले लेते हैं फिर वापस नहीं करते, ये हमारी बात सच्ची है कि नहीं है? मतलब कोई कोई ऐसे निकल गया, तुम्हारा मित्र तुम्हारे प्रति वफादार नहीं है, ये ऐसी सामान्य बातें हैं जो सबके जीवन में घटती रहती हैं और ज्योतिषी लोग इसी सामान्य ज्ञान से लोगों से पैसा ले लेते हैं। अच्छा, तो 20 वर्ष पहले एक दिन आप बहुत दुखी हुए थे, आज उसकी याद आती है? कहा, आंख बंद करके अगर सोते हैं तो धुंधली धुंधली याद आवेगी। वो कैसी होगी? स्वप्न सरीखी होगी। वो आपको एक दिन आया हुआ स्वप्न, यदि आप उसको याद करें तो आपको जैसा लगेगा, उसी तरह इस जागृत के जीवन में घटित घटना भी यदि आप याद करें तो बिल्कुल वैसी लगेगी। तो आओ एक बुद्धि लो ना, इसमें से एक अकल निकालो। क्या अकल निकालो? कि जब 20 वर्ष बाद, 20 नहीं 10 वर्ष बाद, 10 नहीं 5 ही वर्ष बाद, 5 नहीं 1 ही वर्ष बाद, 1 नहीं 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, 1 महीने बाद, ये घटना जो आज बड़ी भयंकर और बड़ी प्रबल मालूम पड़ती है, वो जब 1 महीने में ही सपना मालूम पड़ने लगेगी, तो बुद्धि का तगाजा ये है कि 1 मिनट बाद ही उसको सपना समझ लो, उसी मिनट में समझ लो तब तो और बढ़िया, उस मिनट में नहीं समझो तो कम से कम दूसरे मिनट में समझ लो। इसका मतलब ये है कि दुख निवारण की बुद्धि ये है कि जिस मिनट में जो दुख होए
जैसे मिनट छूट गया उसी तरह उस दुख को छोड़ दो। आखिर मिनट तो पीछे गया कि नहीं गया, तो जब मिनट पीछे गया तो उस मिनट में होने वाला दुख रह कैसे गया? वो भी सेकंड की सुई के साथ क्यों नहीं चला गया? वो भी मिनट की सुई के साथ क्यों नहीं चला गया? वो हम करते क्या है कि मिनट तो चला जाता है, जगह बदल जाती है, आदमी चला जाता है, आंख से ओझल हो जाता है, और हम अपनी बेअकली से उस दुख को पकड़ करके रख लेते हैं। वो भी थोड़ी देर तक तुम पकड़ के रखो, फिर छूट के चला जाएगा, वो भी नहीं जाएगा, लेकिन तुम उसको पकड़ के रखोगे और अपने को तकलीफ दोगे, तकलीफ पाओगे। तो पूर्व दुख दुख दुनिया में दुख है, दुख है, लेकिन बेअकली के कारण है। अस्तधिषणम, अस्तधिषणम, धिषणा माने बुद्धि, बुद्धिर मनीषा धिषणा भी प्रज्ञा सेमुषी मति इत्यमर सिंघा। अमर सिंह बोलते हैं कि धिषणा माने बुद्धि, धी आप पकड़ के रखते हैं। एक सज्जन कहीं ताल में नहाने गए हो तो वहां से एक दो कमल के फूल तोड़े हाथ में ले लिए, परंतु वहां जोंक रेंग रही थी। जोंक, जोंक जानते हैं? नहीं जानते आप? इससे खून चुसवाते हैं, एक बिल्कुल नरम नरम जानवर होता है वो, अंगुली बराबर का। पहले अंग्रेजी में उसका कुछ नाम तो होगा ही होगा। अच्छा लीच, लो वही समझ लो आप, वो लीच हो चाहे स्नेल हो, अरे वो खून उससे चुसवा लेते हैं और फिर उसको निचोड़ दो तो खून सब निकल जाता है, फिर लगा दो शरीर में तो फिर खून पी लेते हैं। तो उन सज्जन ने देखा कमल तो तोड़े ही तालाब में से, वो जोंक भी दो चार छह वहां रेंग रही थी, सो उठा के उन्होंने अपने पॉकेट में रख लिया। अब संग्रह करने योग्य हो उसी का तो संग्रह करना चाहिए। तो कमल में से तो सुगंध आई, खुश हुए। अब वो जोंके जो है ना, वो धीरे धीरे रेंग रेंग के जेब में से निकली और भीतर जाके जहां तहां शरीर में चिपक गए। एक बात आपको बताऊं, हमारे शरीर में जोंक लगी है। हम तो धान की रोपनी करवाते थे, बोला इतने पानी में खड़े हो के धान की खेती करवाते, तो हमारे शरीर में कितनी बात जोंक लगी हुई। उनकी ये विशेषता है कि वो जिस समय शरीर को भी छेद कर लेती है ना, तो उनके मुंह पर कुछ ऐसी चेप होती है कि मालूम नहीं पड़ता कि उन्होंने शरीर में छेद कर लिया, और जितनी देर तक वो खून पीती है पता ही नहीं चलता कि वो खून पी रही है। बाद में कोई दूसरा देखे या अपना हाथ जाए या उनका जब शरीर भर जाता है खून से तो खुद छोड़ देती हैं, तब वो जहाँ छेद किए हुए होती हैं वहां से खून बहने लगता है। ऐसा जानवर देखो आपको जोंक के पास आ, तो जोंक ने खून चूसना शुरू किया। आपसे पूछते हैं कि उन्होंने जेब में जो जोंक रख ली अच्छा किया कि बुरा किया? तो बिल्कुल बुरा किया, बेअकली का काम। इसी प्रकार जो हुए हुए दुख को अपनी अकल में बसाते हैं वो अपने जेब में बिच्छू भर के रखते हैं, वो अपने जेब में जोंक भर के रखते हैं, वो अपने जेब में ततैया भर के रखते हैं। ये कोई संग्रह करने की चीज है? मिनट गया, जगह गई, आदमी गया, है दिन गया, रात गई, और दुख तुम्हारे पास बना हुआ है। ये दुख में इतना सामर्थ्य है कि तुम्हारे पास बना हुआ है? नहीं नहीं, तुम उसको पकड़ के बैठे हुए हो। अस्तधिषणम, जो प्रज्ञा रहित है वही दुखी है। प्रज्ञावान पुरुष दुख का संग्रह नहीं करता, दुखदाई का संग्रह नहीं करता। ये जगत आहा जा रहा है, जाते हुए को क्या पकड़ के रखोगे? अरे कैसे जा रहा है देखो, प्रज्ञापराध है वैसा दुख में तीजस। दुनिया में जो दुख है वो क्या है? नासमझी है। बोले नहीं नहीं, इन्होंने अपमान किया उससे दुख हुआ। अच्छा अब इसका सच्चा जवाब दें,
कहने उन्होंने अपमान किया इसलिए दुख नहीं हुआ, तुमने अभिमान किया इसलिए दुख हुआ। लिख लो हमारा ये उत्तर लिख लो, बोला ये नोट करो, किसी ने अपमान किया इसलिए तुमको दुख नहीं हुआ, तुमने अभिमान किया इसलिए अपमान चिपक गया। नहीं तो अपमान में से दुख कहाँ से आता, कि बोले इन्होंने हमारा 5 रुपया ले लिया इसलिए दुख हुआ, उन्होंने 5 रुपया ले लिया इसलिए दुख हुआ, कि नहीं तुमने रुपए को मेरा समझा इसलिए दुख हुआ, जब वो तुम्हारे हाथ से बाहर गया तब दुख हुआ। रुपया लेने वाले ने तुमको दुख नहीं दिया, रुपए को मेरा समझने वाली अक्कल ने तुमको दुख दिया। तुम्हारा दोस्त तुमको छोड़ के चला गया इसलिए दुख हुआ ना, तो दोस्त ने तुमको दुख दिया, कि नहीं भाई तुम उसके मोहब्बत में मुबतिला हो गए, उसके राग में उसकी आसक्ति में तुमने अपने को गर्क कर दिया, डुबो दिया, इसलिए तुमको दुख हुआ। दोस्त ने जाकर दुख नहीं दिया, तुम्हारी की हुई मोहब्बत ने तुमको दुख दिया। जरा दुख की आध्यात्मिकता को देखो, वो तुम्हारे मन में होता है। बोले हमारे दुश्मन ने दुख दिया, दुश्मन ने दुख नहीं दिया, जो उसके प्रति तुम्हारा द्वेष है वो तुमको दुख देता है। जो काम तुम्हारे दुश्मन ने किया है, अगर वही काम तुम्हारी माँ करती, अगर वही काम तुम्हारा बेटा करता, अगर वही काम तुम्हारा पति और पिता करता, तो क्या तुम उसको अपना दुश्मन समझते, ये तुम्हारा द्वेष दुख दे रहा है। बोले नहीं, रोग मृत्यु और रोग बहुत कष्ट देते हैं, मृत्यु का भय लगता है। मृत्यु तो बेचारा कभी कष्ट देता नहीं किसी को, आपको याद हो न हो, मौत कभी किसी को तकलीफ नहीं देती, बल्कि बहुत लोग तो ऐसे होते हैं जो मौत को तकलीफ से बचाने वाली छुड़ाने वाली समझ करके मृत्यु का वरण करते हैं। मृत्यु किसी को तकलीफ देती है? तुम अपने मन में मृत्यु से भयभीत रहते हो, इसलिए मृत्यु का तुमको कष्ट होता है। तब कष्ट का मूल कहाँ है, दुख का मूल कहाँ है? एक कम कपड़ा पहनने वाला, कम भोजन करने वाला किसान या मजदूर दुखी है, परंतु एक कम कपड़ा पहनने वाला और कम भोजन करने वाला और पेड़ के नीचे सोने वाला साधु दुखी नहीं है। हम आपको भौतिक बात की शिक्षा देने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं, हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे जीवन में जो दुख हैं, उनका उत्स, उनका मूल स्रोत, उनका उद्गम भीतर है। दुख जहाँ होता है वहाँ पैदा होता है, दुख बाहर से नहीं आता है। दुख कोई बाहर से हमारे दिल में ठूंसता नहीं है, दुख हमारे दिल में जो नासमझी है, जो अभिमान है, नासमझी है, घमंड है, मोहब्बत है, दुश्मनी है, डर है, हमारे भीतर ही उसमें से दुख पैदा होता है। दुख का मूल नासमझी है, दुख का मूल बाहर कहीं नहीं है। इसी से जब और चीजें ख्याल में आने लगती हैं, तो पिछली बात भूल जाती है, वो तब वो कैसा हो जाता है, कह लो स्वप्नावाम, व्युत्क्रम से चल रहे है ना, क्रम से नहीं व्युत्क्रम से ये बात समझा रहे। सबसे अखीर में इसमें पूर्व दुख दुख कम है, उसके पहले अस्तधिषणम है, उसके पहले स्वप्नावम है। कल का बीता हुआ आपका सुनहरा दिन, हिंदी वाले सुनहरी बोलते हैं दिन के लिए, माने पुमलिंग में भी वो सुनहरी बोलते हैं, हम लोगों की आदत बचपन से ऐसी पड़ी हुई है, सुनहरा बोल देते हैं, पुमलिंग में सुनहरा बोल देते हैं, स्त्रीलिंग में सुनहरी बोल देते हैं। वो आपका स्वर्णिम दिन आज सपना होकर रह गया है, और वो आपका विषाक्त
समाप्त दिन। जीवन में भी कभी लौह दिन आता है, कभी ताम्र दिन आता है, कभी पित्तल दिन आता है, कभी रजत दिन आता है, कभी स्वर्ण दिन आता है, कभी हीरक दिन आता है, परंतु है सब सपने। एक बार वृंदावन में नीरज आए, नीरज कवियों में नीरज है, बड़ी अच्छी कविता बहुत अच्छी लिखते हैं, अलीगढ़ के हैं जवान। हाँ, इतनी युवावस्था में इतनी उत्तम कोटि की कविता करना आश्चर्य ही है। तो हमको लोगों ने बनाया उसका अध्यक्ष, तो मैंने कहा भाई आप जानते हैं कवि तो होता है बाप और कविता होती है उसकी कुमारी, और उसका मजा लेते हैं समझदार, तो कवि का जमाई कौन हुआ? बोले समझदार लोग। कवि करोति काव्यानि स्वादम जानन्ति पंडिता, कुमारिया रूप लावण्यम पतिर जानाति नो पिता। कविता का सौंदर्य तो श्रोता देखता है, पिता को क्या मालूम। फिर मैंने कहा कि बाबा अब मैं तो बुढ़ा हो गया, तरुण पीढ़ी के कवि हैं, मैं तो बुढ़ा हो गया, मैं ज्यादा देर व्याख्यान दूंगा तो तुम लोग कहोगे कि मैं क्या करूं राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। बड़ी हंसी थी। फिर लोगों ने कहा कि नहीं, व्याख्यान तो आपका काव्य पर घंटे भर होगा, तो घंटे भर व्याख्यान दिया। ये उसकी एक कविता थी, पंक्ति थी, कविता मुझे याद नहीं है, बालक है वो इसलिए ऐसे बोलते हैं, हमारे तो बालक तरीके ही। तो पंक्ति थी कि सपने मर मर जाते हैं, जीवन नहीं मरता है। आपके ध्यान में बात आई? ये वेदांत हुआ, सपने मर मर जाते हैं, जीवन नहीं मरता है। जो सत्य है वो ज्यों का त्यों रहता है, और जो आभास है वो बदलता रहता है। सपने मर मर जाते हैं, जीवन नहीं मरता है, इसी को स्वप्नाभम बोलते हैं। स्वप्नाभम, इस स्वप्नाभम क्यों बोलते हैं? लड़ाई हो गई तो भूखे ही सो जाओगे। कोई कोई पुरुष घर जाएंगे तो स्त्रियां कहेंगे कि बड़े बाबा जी बनने जा रहे हो, रोज कथा वार्ता में जाके घंटों बैठे रहते हो, कुछ घर की नोन लकड़ी का भी फिक्र है, तो मालूम है आगे क्या दृश्य आएगा कैसा। ये जो आज का जीवन है ये मिनटों बाद कौन सा मोड़ लेगा ये क्या मालूम है? अरे ये तो जैसे बहती हुई नदी की धारा में कोई जीवन की नौका बह रही हो, कैसे कैसे दृश्य आते हैं, क्या क्या सबका मजा लेते चलो, विभक्त का भी मजा लो। जब हमको हमारे महापुरुष ने, गुरुदेव ने बताया कि विभक्त भी रस है, थोड़ा साहित्य पढ़ा है, बोला हमने साहित्य दर्पण पढ़ा है, अलंकार का उसको पढ़ा है, चंद्रालोक पढ़ा है, कुबले आनंद पढ़ा है, तो गुरु से पढ़ा है, काशी के पंडित भालचंद्र शास्त्री से, तो थोड़ा मालूम है कि रौद्र भी रस है, भयानक भी रस है, विभत्त भी रस है, करुण भी रस है। आपने कभी जीवन की ओर ध्यान दिया? आपके जीवन में हमेशा शांत ही रहे ये आग्रह करते हो, हमेशा श्रृंगार ही रहे ये आग्रह करते हो, हमेशा हास्य ही रहे ये आग्रह करते हो, हमेशा अद्भुत ही रहे ये आग्रह करते हो, मरोगे अस्तधिशरम, जीवन में एक रस नहीं रहेगा, कभी भयानक आवेगा, कभी रौद्र आवेगा, कभी विभक्त आवेगा, कभी करुण आवेगा, कभी रोएंगे, कभी ग्लानि होगी, कभी तेजी आवेगी, कभी डर जाएंगे, कभी उत्साह आवेगा तो वीर रस हो जाएगा। लेकिन सब रसों में रसिक तो हम ही हैं, ये रस तो रंगमंच पर, अंतकरण के रंगमंच पर हमारी ये जो वृत्ति नटी हैं, ये जो मनो
संकल्प न कहें, ये नाना प्रकार के दृश्य हमारे अंतकरण के रंगमंच पर उपस्थित करते हैं, उनके द्वारा उपस्थापित करुण रस का भी मजा लेना और विभत्स रस का भी मजा लेना, तब तो तुम मजे में रहोगे और चाहोगे कि जीवन में केवल हास्य ही हो, केवल श्रृंगार ही हो, केवल शांत ही हो, तो ऐसा होना शक्य नहीं है। ये एक अशक्यानुष्ठान जो वस्तु है, जैसा होना कभी शक्य नहीं है, उसको जो चाहता है दुनिया में वही दुखी होता है। इसी से निर्बुद्धि दुखी होते हैं दुनिया में, है ना। जगत जगत सब इसीलिए बनाया है, वो गच्छति इति जगत, गम गमनरी गतौ धातु से गच्छति इति जगत, जो जाता है जाता है। ये हमारे संस्कृत के गम धातु को अंग्रेजी वालों ने कम बना दिया है, तो कम हो गया, कम हियर बोलता है ना, कम क्या मतलब होता है। और गो का गो भी है बना, हमको याद है जब हम झंडा लेके चलते थे तब गो बैक साइमन, गो बैक माने क्या होता है, लौट जाओ ना साइमन, लौट जाओ। ये हमारा गम धातु जो है वो देश विदेश की यात्रा करता है, उसको पाप नहीं लगता है बोला। ये हमारी हमारा शब्द जो है, तो जगत जगत माने गच्छति इति जगत, इसी से जगाम क्रिया बनती है गया। तो ईश्वर किसका नाम है, जो कभी जाए नहीं सो ईश्वर, जिसको हम छोड़ना चाहें और न छोड़ सकें वो ईश्वर, जिसके जीवन में मजबूरी है वो ईश्वर को कैसे अस्वीकार कर सकता है, जिसके जीवन में कहीं विवशता है, राम राजा रही सबसे ये बात हो, जिसके जीवन में कहीं विवशता है वो अपनी पराधीनता को कैसे अस्वीकार कर सकता है। कहाँ से सपने आते हैं ऐसे कैसे जगत, ईश्वर वो है जो हमको कभी छोड़कर नहीं जा सकता, और जगत वो है जो कभी रह नहीं सकता, जो सरकस संसार, बचपन सरक गया पता नहीं चला, जवानी सरक गई पता नहीं चला, काले बाल कहाँ गए पता ही नहीं चला, बुढ़ापा कहाँ जा रहा है कुछ पता ही नहीं चलता, और श्रीमती और श्रीमान का ब्याह के पहले जो प्रेम था वो ब्याह होने के बाद कहाँ सरक गया इसका पता ही नहीं चलता। वो तो नेक चार हो जाता है, मर्यादा हो जाता है, निर्वाह दूसरी वस्तु है, वो निर्वाह दूसरी वस्तु है। तो ये संसार नारायण कैसा, बोले असत स्वरूपम, आपको वेदांतियों का मिथ्यात्व समझाता है, ऐसा नहीं कि झूठे गाली दे दिया कि तुम क्या बोलते हो, ददतु ददतु गालीर गाली मंतो भव। एक होता है रूप और एक होता है स्वरूप, शीशे में जितनी परछाई दिखती है, जितनी तस्वीरें दिखती हैं, अपना प्रतिबिंब दिखता है ना, प्रतिबिंब प्रतिच्छाया आभास शीशे में दिखता है, वो शीशे का स्वरूप नहीं है, क्या है उसमें प्रतिबिंबित रूप है, अन्य निष्ठ रूप अन्य में भाग रहा है। तो ये जो संसार है ना, इसका अपना कोई रूप ही नहीं है, बदलना बदलना बदलना, अपना असत स्वरूपम, अपना कोई स्वरूप नहीं है, स्व स्व माने अपना रूप, रूप तो है इसका पर वो अपना नहीं है, रूप तो है परंतु अपना नहीं है। आप देखो आपके दुख की ये अचूक दवा है, राम बाण दवा है, अमोघ औषध है, अव्यर्थ औषध है, बोला
अमोघ, जिनी अमोघ रघुपति के बाना, कभी व्यर्थ नहीं होने वाली दवा है। जगत का यदि कोई अपना रूप होता तो उसको हम पकड़कर अपने पास रख सकते। आज तक दुनिया में किसने क्या पकड़ के रखा है? ये असल में देश, काल और वस्तु मूलतः एक ही है। हमने इनका विवेक के लिए अलग किया जाता है कि जैसे घ ट पहले घ पीछे ट, ये जो क्रम हुआ ये काल हो गया और घ ट लिखने की आकृति हुई और घ ट लिखने का स्थान हुआ। वो जो घ ट की लकीरों में जो बिंदु होते हैं ना, वो स्थान की कल्पना के आधार हैं और काल में जो सेकेंड होते हैं वो काल की कल्पना के आधार हैं। स्याही के जो कण कण होते हैं वो द्रव्य कल्पना के आधार हैं। सच पूछो तो काल के क्षण और द्रव्य के कण और देश के बिंदु उपलक्षित स्थान, ये तात्विक दृष्टि से एक साथ ही जा रहे हैं। सेकेंड जाता है, बिंदु जाता है, बिंदु का स्थान जाता है, एक समय में सब बदल रहा है। जो स्वयं प्रकाश साक्षी है वही रहता है, जो अधिष्ठान ब्रह्म है वही रहता है। स्वयं प्रकाश साक्षी अधिष्ठान ब्रह्म ही एक है। जगत स्वरूप रहित है पर सत्ता से ही सत्तावान है, अधिष्ठान सत्ता से ही सत्तावान है। चाहे बोलो नारायण, क्या क्या बोले, चाहे बोलो सांप, चाहे बोलो माला, चाहे बोलो दरार, चाहे बोलो छिद्र, चाहे बोलो डंडा, इनका अपना स्वरूप कुछ नहीं है। इनका असली स्वरूप क्या है? रज्जू। अज्ञात जो रज्जू है असल में वही भ्रांतियों के अनेक रूप में भास रहा है। अज्ञात आत्मही, अज्ञात ब्रह्म ही जगत के रूप में भास रहा है। जगत का कोई स्वरूप नहीं है। इसमें कहाँ फंसते हो? कौन फंसता है? जहाँ हम फंसते हैं वो भी भ्रांत दृष्टि से है, और जो हम फंसते हैं ऐसा मालूम पड़ता है वो भी भ्रांत दृष्टि है। हम निमंत्रण देते हैं किसी रागी महात्मा को, रागी सज्जन को, जो आके बता दे कि 10 बरस से हमारा राग एक रस है। रागी पने का मिथ्या अभिमान होता है कि मैं रागी हूँ, मैं प्रेमी हूँ, ये स्वप्न है। न प्रियतम प्रियतम रहता है, न प्रेमी प्रेमी रहता है, एक जिद रहती है, एक आग्रह रहता है, बदल जाती है। एक परमात्मा सत्य है, एक ईश्वर सत्य है, जिसको तुम सत्य समझ करके पकड़ते हो वो तो ऐसा ही है जैसे सपना देख रहे कि हमारे सामने एक बड़ी सुंदरी स्त्री आई है और आलिंगन किया उसको, बुझ बुझ पास में बाधा, तो क्या मिला? बोले ठन ठन पाल, कुछ नहीं। हम अपने मन के भुज पास में, बुद्धि के भुज पास में जगत के किसी रूप को नहीं बांध सकते। स्वप्न में मिले हुए हीरे का आभूषण हम जागृत में नहीं धारण कर सकते। तो ये नित्य सुख बोध तनावनन्ते माया तो उद्यदपि जात तदिवाव भाति। तो ये नित्य, नित्यमिव सुखमिव ज्ञानमिव। जो नित्य परमात्मा में जो काल का अधिष्ठान साक्षी है, नित्य परमात्मा में, परिपूर्ण परमात्मा में जो देश का अधिष्ठान साक्षी, उसमें ये दुनिया लगती है नित्य, ये अनित्य ही नित्य लगता है, दुख ही सुख लगता है, जड़तई ज्ञान लगती है और शांत ही अनंत लगता है। क्यों? इसी को बोलते हैं माया।
जो चीज जैसी न हो उसको वैसी दिखा दे। उद्यदपि यत् उगता है और जाता है, उगता है और जाता है, देख ले जादू का तमाशा, है ना। मकान बना और टूट गया, फल लगा और गिर गया, दीपक जला और बुझ गया, पानी का बुलबुला पैदा हुआ और मिट गया, चिंगारी निकली और बुझ गई, ये देखो तमाशा क्या है इसमें। पर सदिवा होगा, देखो भासता तो मैं भी हूँ कि मैं हूँ, आत्मा है ऐसा भासता और दुनिया है ऐसा भी भासता है, पर एक भान परिवर्तनशील है और एक भान अपरिवर्तनशील है। जो अपरिवर्तनशील भान है उसको सत्य बोलते हैं और जो परिवर्तनशील भान है उसको मिथ्या बोलते हैं। और परिवर्तनशील भान अपरिवर्तनशील भान से ही भासता है, इसलिए आत्मा स्वयं प्रकाश सत्य है और जो मालूम पड़ता है सो बदलता है। एवं विधम आत्मा पुरुष पुराण सत्य स्वयं ज्योतिरनंतयात्या नित्योक्षरो जस्रसुतो निरंजनः पूर्णोद्वयो मुक्त उपाधितो मृतः। तो परमात्मा कैसा है, तो नित्य है, सुख है, बोध है, अनंत है, और उसमें ये जितनी दुख है, दुविधा है, मूर्खता है, स्वप्न है, असत है, वो बिना हुए भास रहा है। और ये कितनी बढ़िया बात है कि तुमको भास रहा है, और ये शांत, ये अद्भुत, ये हास्य, ये श्रृंगार, ये करुण, ये रौद्र, ये विभत्स, ये भयानक, ये दीप, सब तुमको भास रहे हैं और इस जगन्नाट्य के दृष्टा तुम हो। इतना बड़ा नाटक तुम्हारे सामने हो, छोटा सा नाटक देख के तुम खुश हो जाते हो और इतना बड़ा नाटक देख के तुम्हें खुशी नहीं होती। एकस्त्वम आत्मा पुरुष पुराण सत्य, एकस्त्वम सत्य। ब्रह्मा, ब्रह्मा माने अंतःकरणाधिष्ठात्र देवता, अंतःकरण में बैठा हुआ प्रकाश, आभास। अंतःकरण का चतुर्विधत्व ही इसका चार मुख है और ये अपने जागृत स्वप्न सुषुप्ति के भावाभाव से उपलक्षित अद्वैय परमात्मा का निरूपण कर रहा है, दर्शन कर रहा है। ये स्तोत्र ऐसा है, इस पर ध्यान दें तो तुरंत भगवान का दर्शन हो जाए, ईश्वर का दर्शन। क्योंकि ईश्वर का जो दर्शन है ना, ये ऐसा ही है। एक आपको उदाहरण देते हैं, एक ऐसी वस्तु है जो किसी चीज को ऊपर भी फेंक सकती है और नीचे भी डाल सकती है, वो सिकुड़ भी सकती है और फैल भी सकती है। एक ऐसी वस्तु है कि उससे आप किसी को पकड़ भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। एक ऐसी वस्तु है, आप जानते हैं उसको, देखो आपको बताते हैं। अब समझो कि एक बच्चे से हम बात कर रहे हैं, आप सब विद्वान हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, सो सब ठीक है। आप एक बार मान लो कि हम एक किसी बच्चे से बात कर रहे हैं, तो बेटा एक ऐसी चीज है कि उससे किसी चीज को पकड़ते हैं और छोड़ भी सकते हैं। अच्छा ऐसी है, तो बहुत बढ़िया होगी, हम उसी से अपना खिलौना पकड़ लिया करेंगे और छोड़ दिया करेंगे, तो वो फैलती भी है, सिकुड़ती भी है। अच्छा ऐसा, तो तब तो पिताजी हमको वो चीज जरूर चाहिए। तो बोले बेटा चाहिए काहे को, वो तो तुम्हारे पास है। तो नहीं पिताजी, हमारे पास तो कोई ऐसी चीज नहीं है, उसका नाम क्या है हमारे पास है तो। बोले उसका नाम कर है। बोले इस नाम की तो कोई चीज हमारे पास नहीं है बच्चा, कर नाम की तो कोई चीज हमारे पास नहीं है। तो उसका हाथ पकड़ के बताया, देख इसका नाम कर है,
नहीं ये तो हाथ है, इसका नाम कर कहाँ है? करे भाई इसी का नाम कर है, हस्त का ही नाम कर है। अब ये क्या हुआ, जो हमने पहले परोक्ष वर्णन किया और उसकी सन्निधि में ही बताया, उसके गुण लक्षण बताए, उसको बालक समझता नहीं था इसलिए उसको अन्य समझता था, उसको परोक्ष समझता था। और जब हाथ पकड़ के बता दिया अयम कराहा, अरे इसी का नाम हाथ है, ये सिकुड़ता है कि नहीं, कहाँ सिकुड़ता है, फैलता है कहाँ फैलता है, पकड़ता है कहाँ पकड़ता है, छोड़ता है कहाँ छोड़ता है, ऊपर फेंकता है कहाँ, नीचे फेंकता है कहाँ, कहिए है ना। देखो जितने लक्षण मैंने बताए थे वो सब तुम्हारे हाथ में है कि नहीं, कहा है कि तो देखो इसका नाम है हाथ, इसका नाम है कर। तो ये हम लोग जो परमात्मा का वर्णन करते हैं ना, परमात्मा का ये आया राम ये गया राम, सब बदलते हैं, वो नित्य है, देखो तुम नित्य हो कि नहीं, सब दृश्य है वो दृष्टा है, देखो तुम दृष्टा हो कि नहीं, सब प्रिय अप्रिय होते रहते हैं परंतु वो हमेशा प्रिय रहता है, ठीक है कि नहीं, तो देश काल वस्तु का प्रकाशक है कि नहीं, मतलब एक बच्चे से उस जाति विजाति सुगत वेद, जो ब्रह्म की पहचान हमने बताई थी कि एक ऐसा ब्रह्म है जिसके मिलने के बाद सुख ही सुख होता है, आनंद ही आनंद होता है, ज्ञान ही ज्ञान रहता है, कहाँ बताया तो था। करे वो ब्रह्म जो है ना वो तो आत्मा है, अरे वो तो तुम खुद हो, ऐसे बोल। हाथ का वाक्य से प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ, परोक्ष वर्णन सुन करके जिसको हम परोक्ष समझते थे या कह रहे थे, संभावना कर रहे थे कि ऐसी कोई चीज हो ही नहीं सकती जो फैले भी और सिकुड़े भी और उठावे भी और गिरावे भी और पकड़े भी छोड़े भी, ऐसी कोई चीज नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है तो कौन है, अरे तुम्हारे पास है, हमारे पास है तो कहाँ है, अरे तुम्हारा हाथ है। ऐसे ब्रह्म का जो परमेश्वर का जब लक्षण पहले वो इसे वर्णन करते हैं, जितने लक्षण बताए हैं तुम अपने में घटा लो, अपने में घटित कर लो, हम ईश्वर में मिल जाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, और ईश्वर हम में मिल जाएगा तो फायदा ही फायदा है। आओ सुनाएंगे विश्वास कल्पना।